Hey guys, this is Prasad. Oh, sorry. Hey guys, this is Prasad and you watching All About India. Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में मैं जाने वाला हूँ वाइजाग यानी कि विशाखापट्टनम. एंड मैंने सोचा क्यों ना ये ब्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये रोड ट्रिप बहुत ही लंबी होने वाली है. हम 2 दिन 2 रात रुकने वाले हैं विशाखापट्टनम में. एंड साथ ही साथ हम सीमांचलम भी एक्सप्लोर करने वाले हैं. साथ ही साथ वहाँ के खाना, वहाँ का स्ट्रीट फूड, वहाँ का रेस्टोरेंट फूड, सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो मैं आपको ले चलूंगा एक वर्चुअल टूर पे. सो लेट्स हैव अ लुक. सुबह के कुछ 7 बजे हम निकल पड़े अपने रोड ट्रिप पर, क्योंकि हमें पहुंचना था वाइजाग और उसी दिन विशाखापट्टनम को भी एक्सप्लोर करना. 280 किलोमीटर का सफर वो भी फैमिली के साथ. मौसम सुहाना था, बीच बीच में हल्की हल्की बारिश के बूंदे भी शीशे के ऊपर पड़ रही और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिसके वजह से ये रोड ट्रिप और भी बेहतरीन लग रहा था. कुछ 150 किलोमीटर के सफर के बाद हम रुके एक रोड साइड ढाबे पर ब्रेकफास्ट के लिए. अभी बज रहे थे सुबह के 9 बजे, भूख लग रही थी तगड़ी. सो अभी मैं यहाँ पे आके रुका हूँ. मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक ढाबा है. ये जो नेशनल हाईवे है उसके ठीक साइड है यहाँ पे. एंड ये श्रीकाकुलम से पहले वाला एक एरिया है, वहाँ पे हम रुके हैं. एंड ये पूरा NH के साइड है, यानी कि आपको आगे पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा होगा एंड पीछे मेरा पूरा का पूरा ढाबा दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे अब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं बिफोर श्रीकाकुलम. एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे फिर से विशाखापट्टनम. लेकिन उससे पहले मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि क्या कुछ है यहाँ पे. हमने यहाँ पर ऑर्डर किया पूरी, वड़ा, डोसा. इन सब के साथ 2 तरह के करी संवरित चटनी भी सर्व किया गया. डोसा एंड वड़ा बहुत ही मस्त था, लेकिन पूरी इतना भी खास नहीं था. ब्रेकफास्ट के बाद अब आ रही थी मॉर्निंग मेडिसिन, यानी कि चाय या फिर कॉफी की. यहाँ पर दम टी, मसाला टी, जिंजर टी, लेमन टी, बादाम टी, कॉन्टिनेंटल कॉफी, फिल्टर कॉफी, कोल्ड कॉफी जैसे और भी कई सारे हॉट ड्रिंक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है. हमने दम टी एंड कॉन्टिनेंटल कॉफी ऑर्डर किया. सो अभी हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है. ब्रेकफास्ट बहुत ही बेहतरीन था. साथ ही साथ हमने यहाँ पे दम टी एंड कॉफ़ी भी ट्राई किया, वो भी बेहतरीन था. अभी हम निकल रहे हैं वाइजाग भाया श्रीकाकुलम. एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारा सफ़र फिर से शुरू हुआ. कुछ ही देर के सफ़र के बाद हम पहुँच गए विशाखापट्टनम टाउन के अंदर और एंट्री करते ही बड़ी बड़ी इमारतें, ट्रैफिक और APSRTC के बस दिखने लगे. टाउन के अंदर जाते ही हमें सिल्परहम्मम यात्रा देखने को मिला, जो कि NH16 के पास ही था. बट वक्त के पाबंदी ने हमें अंदर जाने नहीं दिया और हमें 2-3 घंटे तो मिनिमम लगते इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ की खूबसूरती एंड आंध्र प्रदेश की कल्चर को इसके अंदर देखने के लिए, महसूस करने के लिए. फिर थोड़े आगे जाने के बाद हमें देखने को मिला वाइजाग स्टेडियम, जो कि डॉक्टर YSRACAVDCA क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ पर कई सारे इंटरनेशनल मैचेस एंड IPL भी खेला जा चुका है. फिर थोड़े आगे जाने के बाद हम पहुंचे ऋषिकुंडा बीच, जो कि वाइजाग का विशाखापट्टनम का एक बेहतरीन सा प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए, और वहां पर खूब मस्ती किया. यहां पर आप 4-व्हीलर पार्किंग के लिए ₹20 देना पड़ेगा. यहां पर स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग, स्पीड बोटिंग, ATV बाइक राइड जैसे और भी कई सारे एडवेंचरियस स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट करने का मौका मिलेगा. ऋषिकुंडा बीच से निकलते ही आपको ऋषिकुंडा हिल टॉप पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल देखने को मिलेगा. अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा रिलीजियस प्लेस है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. ऋषिकुंडा बीच से RKF बीच की ओर जाते वक्त आपको इस्कॉन टेम्पल भी देखने को मिल जाएगा और इस्कॉन टेम्पल के ठीक सामने समंदर. फिर हमने RKF बीच के पास से होकर इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क पहुंचे. यहाँ पर पार्किंग के लिए सिर्फ और सिर्फ ₹30 देने के बाद हम चल पड़े पार्क के अंदर. जूलॉजिकल पार्क में पर पर्सन एंट्री ₹50 है और कैमरा के लिए आपको एक्स्ट्रा ₹30 देने पड़ेंगे. वैसे इस जूलॉजिकल पार्क के अंदर कई सारे जानवर, पक्षी, रेप्टाइल्स,
बटरफ्लाईज है और इस एरिया को पूरे घूमने के लिए 5 से 6 घंटे आराम से लग जाएंगे। एंड एज पर द सिक्योरिटी गार्ड ये पूरा 4 किलोमीटर का एरिया है। एंड भाई 4 किलोमीटर एरिया को पूरा घूमना पूरा देखने के लिए टाइम तो लगेगा ही। सो गाइस मैं अभी हूँ इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में जो कि वाइजा का विशाखापट्टनम का एक बेहतरीन सा जगह है, कूलेस्ट प्लेस है। सो अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ लंच करने के लिए क्योंकि हो चुका है लंच टाइम। एंड अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए ऐसे होटल में वहाँ पर आपको पूरी की पूरी आंध्र प्रदेश की कुजीन खाने को मिल जाएगा। सो चले चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं आंध्र प्रदेश के एक बेहतरीन से होटल में आंध्र प्रदेश का एक बेहतरीन सा थाली। इस होटल तक पहुँचने के लिए हमने गूगल बाबा की मदद ली और फिर फाइनली पहुँच गए होटल के पास। यहाँ पर लंच में 30 से 20 ज्यादा आइटम्स मिलते हैं और सबसे खास बात यह है कि 220 रुपए में यहाँ पर आपको अनलिमिटेड खाना मिल जाएगा और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की पूरी कुजीन भी खाने को मिल जाएगा। यहाँ पर हाइजीन को ध्यान में रखते हुए लोगों को बड़े प्यार से खाना खिलाया जाता है। लंच करने के बाद हमारी गाड़ी चल पड़ी आरके बीच की ओर। आरके बीच एरिया में आपको 5 से 7 चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर बीच है, म्यूजियम है, आई लव वाइजाग का साइन एंड साथ ही साथ विक्टोरिया सी वॉर मेमोरियल भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सैटरडे संडे यानी कि वीकेंड को शाम के 5 बजे कर्फ्यू लग जाता है और चंद मिनटों में पूरा का पूरा बीच एरिया खाली हो जाता है और ये हमने लाइव देखा। यहाँ तक कि यहाँ पर आप पार्किंग भी नहीं कर सकते आफ्टर 5 PM। तो बीच एरिया के आसपास 5 बजते ही बहुत सारे वैन्स ऐसे घूमते हैं क्योंकि 5 बजे के बाद यहाँ पे स्ट्रिक्टली घूमना मना है। कोविड की वजह से कुछ प्रोटोकॉल है यहाँ पे, तो अगर आप आते हो तो बिफोर 5 o'clock आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड ये शायद कोविड के लिए वाइजाग बीच एरिया में ही SOP जारी किया गया। फिर यहाँ से हम चल पड़े कैलाशगिरी की ओर। कैलाशगिरी पहुँचते पहुँचते 5:30 बज चुके थे और शाम हो चुकी थी। हमने डायरेक्टली ट्रॉय 10 के टिकट ले लिया एंड चल पड़े कैलाशगिरी के सफर पर। एसी के लिए आपको 130 रुपए देने पड़ेंगे, नॉन एसी के लिए आपको 90 रुपीज का टिकट लेना पड़ेगा सफर करने के लिए। भाई साहब शाम होने के बाद वाइजाग कितना खूबसूरत दिखता है ये मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यहाँ पर पूरा घूमने के बाद हम चल पड़े सीमांचलम की ओर और कुछ 1 घंटे के अंदर वाइजाग से सीमांचलम भी पहुंच गए। सीमांचलम में हमने लॉज लिया जो कि था पद्मावती कल्याण मंडप एंड रूम्स। सो हे गाइस अभी बज चुके हैं रात के कुछ 9:30 एंड मैं अभी आके पहुंच गया हूँ मेरे होटल में, मेरे रूम में। अभी मैं हूँ सीमांचलम में क्योंकि वाइजाग में हमने सोचा कि ना रुकते हुए सीमांचलम में जाके रुके। तो जब मैं सीमांचलम आके पहुंचा तब कुछ 7:30 बज रहे थे एंड यहाँ पे लगभग सारे होटल सारे रूम फुल थे क्योंकि आज शनिवार था एंड बहुत लोग दर्शन करने के लिए आए एंड कल रविवार है, संडे है, और डेफिनेटली बहुत लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। इसी दो रीज़न की वजह से आज कहीं पे भी हमें स्पेस नहीं मिला रुकने के लिए, सो हमने ये वाला होटल चुना। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला होटल इतना खास भी नहीं है लेकिन फिर भी हमने 2 रूम्स के लिए कुछ 1350 का नेगोशिएट किया। उसके बाद मैं डायरेक्टली चला गया डिनर लेने के लिए, सो हमने इस जगह से डिनर लिया। लेकिन मैं ये कहूँगा भाई इस जगह से आप कभी भी डिनर मत लेना। डिनर क्या कोई टिफ़िन वगैरह में मत खाना क्योंकि इतना हाइजीन नहीं है यहाँ पे, साथ ही यहाँ का खाना भी इतना टेस्टी नहीं है। सो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप साथ में कुछ लेके आते हो या फिर बिस्किट पानी पी के सो जाओ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं खाना। सो गाइस चले सो जाते हैं, कल फिर मुलाकात होगी एंड होप कल का दिन भी बेहतरीन रहेगा। हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे कल। ये वाला ब्लॉग ख़त्म होने के बाद आपको ये सारे जो प्लेसेस मैंने एक्सप्लोर किए उसके ऊपर एक वीडियो एंड साथ ही साथ अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग वीडियोस एंड आज का जो लंच था उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। सो ये वाइजाग टूर का, ये विशाखापट्टनम टूर का एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ मैं एंड आपको डिफरेंट एपिसोड में आपको दिखाऊंगा कि ये विशाखापट्टनम कितना बेहतरीन है एंड आप क्या कुछ कर सकते हैं विशाखापट्टनम में। अगले दिन सुबह हम 7:30 बजे निकल गए सीमांचलम हिल की तरफ जहाँ पर श्री वराह लक्ष्मी नारायण स्वामी वारी देव दर्शनम मंदिर। कार के लिए कुछ 50 रुपए देने पड़ेंगे एंड कुछ 15 मिनट के अंदर हम पहुंच गए मंदिर के पास।
दर्शन करने के लिए तीन तरीके थे, फ्री दर्शन, 100 रुपए वाला दर्शन एंड 300 रुपए वाला VIP दर्शन। हमने 300 वाला टिकट लिया हमारे पेरेंट्स के लिए एंड हम चल पड़े फ्री दर्शन के और लाइन लगा दी। इस फ्री दर्शन लाइन में हमें कुछ 1 घंटा लगा दर्शन के, लेकिन VIP वाला दर्शन कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर हो गया। उसी दिन लड्डू काउंटर में भी ज्यादा भीड़ थी, जिसके वजह से लड्डू जल्दी खत्म हो गया एंड हमें लड्डू नहीं मिला। अब सिमंचलम आओ एंड यहाँ का फेमस लड्डू प्रसाद एंड पुलियोरा ना खाओ, ऐसा कभी हो सकता है? पता नहीं, लेकिन जब भी सिमंचलम जाते हैं वहां से लड्डू एंड पुलियोरा जरूर लेके आना एंड आस पड़ोस में शेयर करना एक प्रथा सा हो गया। इसलिए हमें यहाँ पर 2 घंटे से ज्यादा रुकना पड़ा ताकि हम लड्डू प्रसाद ले सके एंड फाइनली हमें लड्डू प्रसाद एंड पुलियोरा मिल गया। इसके बाद मैंने ट्राई किया यहाँ का समोसा, यानी कि मिनी समोसा विथ ग्रीन चिलीज, इसे आप ऑनियन समोसा भी कह सकते हैं। आपने चॉप्ड ऑनियन समोसा ट्राई किया होगा, स्मैश्ड ऑनियन समोसा ट्राई किया होगा, लेकिन ये वाले समोसे में दम है। ये वाला समोसा बहुत ही बेहतरीन था एंड सबसे अलग था। अभी क्या था, विशाखापट्टनम के लगभग 10 से ज्यादा प्लेसेस हमने घूम लिया और सिमंचलम में भी हमारे दर्शन हो गए, लेकिन होम टाउन पहुंचने से पहले हमें करना था लंच और भूख लग रही थी तगड़ी, इसलिए हम पहुंचे पैराडाइज रेस्टोरेंट। यहां पर हमने बिरयानी और बटर नान विद फनी बटर मसाला ट्राई किया। अब क्या, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अभी आपने जितना कुछ इस ब्लॉग में देखा उससे कहीं ज्यादा आपको आगे वाले ब्लॉग्स में एंड सेपरेट वीडियोस में देखने को मिलेंगे। हर एक प्लेस को लेकर मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ, साथ ही साथ वाइजाक के फूड को पूरा का पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ और इसके लिए वाइजाक सीरीज में मैं कई सारे एपिसोड्स लेके आने वाला हूँ। वाइजाक सीरीज के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी के बातें अलग ब्लॉग में अलग एपिसोड्स में करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, स्टे ट्यून्ड।